जी दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UGPG एडमिशंस अदर स्टेट स्टूडेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश ई प्रवेश वेबसाइट से UG और PG एडमिशन लेने की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है और इसका फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड भी समाप्त कर दिया गया। अब CLC राउंड चल रहा है इसका। लेकिन दोस्तों, बात आती है कि जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट नहीं है, मध्य प्रदेश के अदर स्टेट के राज्य के स्टूडेंट हैं, जैसा कि MP के स्टूडेंट नहीं है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे स्टूडेंट, और वो क्या चाहते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, अदर स्टेट के स्टूडेंट का मध्य प्रदेश में एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जिससे अच्छे समझ में आ सकेगा, साथ ही कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश में BA, BCOM, BSc या MA, MCOM, MSc में स्टूडेंट लेना चाहते हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, और आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो आपका ना तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन होगा, ना ही आपका सेकंड राउंड में एडमिशन होगा। इसके लिए आपको किस राउंड का वेट करना होता है, इसके लिए आपको CLC राउंड का वेट करना होता है। CLC राउंड में आपका एडमिशन हो जाएगा अदर स्टेट स्टूडेंट का, ठीक है। अब दोस्तों, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, CLC राउंड कब चलते हैं, और CLC राउंड में हमको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी होगी, वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी या मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेना, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ना तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया गया था 1 अगस्त से यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, और PG का भी यहाँ 1 अगस्त से स्टार्ट किया गया था, और जो फर्स्ट राउंड की लास्ट डेट रखी गई थी यहाँ पर UG की 25 अगस्त और यहाँ पर PG की रखी गई थी 19 अगस्त। तो ना तो आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन होना था और ना ही आप सेकेंड राउंड में एडमिशन ले। यहाँ पर जो सेकेंड राउंड स्टार्ट किया गया था दोस्तों, यहाँ पर 27 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, और PG का यहाँ पर 21 अगस्त को स्टार्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों, आप इन राउंड्स में एडमिशन नहीं ले सकते थे, और यहाँ पर जो सेकंड राउंड समाप्त किया गया था, वो समाप्त किया गया था 14 सितंबर को UG का, और जो PG का समाप्त किया गया था दोस्तों यहाँ पर 11 सितंबर को। दोस्तों, आप इन दोनों राउंड में आप केवल अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे और यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। रजिस्ट्रेशन के बाद हमको चॉइस फिलिंग करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते थे। यहाँ पर दो चीज़ें आप करवा सकते थे फर्स्ट राउंड में, और कौन कौन सी हैं, एक तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग नहीं करवा सकते थे। और जब तक दोस्तों आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, तब तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो। तो दोस्तों, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको क्या करना था, यहाँ पर CLC राउंड का वेट करना था। और CLC राउंड में देखिए यहाँ पर क्या क्या कर सकते थे, 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 14 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया था। CLC राउंड की यहाँ पर लास्ट डेट कितनी रखी गई है, CLC राउंड की यहाँ पर लास्ट डेट 26 सितंबर और 25 सितंबर यानी कि 30 सितंबर तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हमारा CLC राउंड। अब दोस्तों, यहाँ पर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना, यहाँ पर आपको जो सबसे पहले काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करवानी है, इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवाने हैं। अब रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 17 सितंबर से 23 सितंबर तक आप डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं UG के। और PG की यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है 15 सितंबर से 20 सितंबर तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर 16 सितंबर से 21 सितंबर यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पर आप PG के एडमिशन लेना चाहते हैं तो PG की यहाँ पर करवा सकते हैं, और UG में लेना चाहते हैं तो UG की यहाँ पर डेट बताई गई। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, इसके बाद में हमारी क्या होता है, मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है। और मेरिट लिस्ट अनाउंस कब की जाएगी दोस्तों, 26 सितंबर को UG की, और PG की यहाँ पर 25 सितंबर को अनाउंस कर दी जाएगी। और जब मेरिट लिस्ट आएगी, तब इनमें से आपको कोई एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, जो आप चॉइस फिलिंग करोगे उनमें से आपको कोई एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एडमिशन लेने में जो कि लाभ मिला है, आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। चलिए, वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।